वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। पहुँचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। मैं वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। मैं वतन देवतन देवतन। तुझ पे कोई गम की आंच आने नहीं दूं। तुझ पे कोई गम की आंच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। मैं वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन। ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन। आबाद रहे तू। मेरे वतन। सबसे पहले नमस्ते। और अब मैं एसटीसी एपेक्स टीम महाराष्ट्र के तरफ से आप सभी का शौर्य गाथा के सेकेंड एपिसोड में स्वागत करती हूँ। और मैं सारंग भैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये शो की जो शुरुआत है वो एक जोश भरे गाने के साथ करें। सारंग भैया प्लीज आइए और हमें एक जोश भरा गाना सुनाइए। थैंक यू सो मच। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना। ये देश है दुनिया क्या कहना। आ, 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 आ,
चौड़ी छाती वीरों की, यह भोली शक्ले हीरों की, यह गाते हैं रांझे, यह गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती है धूमे बस्ती में। हो पेड़ों पे बहारे, झूलों की राहों में कतारे फूलों की, यह हंसता है सावन, यह हंसता है सावन, बालों में खिलती है कलियां गालों में। ओ, 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 कहीं दंगल शोक जवानों की, कहीं करतब तीर कमानों की, यह नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले लगते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। हो, हो, दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है पीछे हट जाए। हो, 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 ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। थैंक यू सो मच भैया, ये गाने ने हम सब में इतना जोश भर दिया है, और अभी मेरे ख्याल से सब काफी एक्साइटेड होंगे ये स्पेशल एपिसोड जो है हमारा आज का। तो ये शो शुरू करने से पहले जो है, मैं आप सबको आर्ट ऑफ लिविंग का ये जो एक अमेजिंग इनिशिएटिव है जो कोविड के टाइम पे शुरू किया गया था, फ्री प्राणायाम एंड मेडिटेशन वर्कशॉप्स, तो इससे ना काफी लोगों के लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया है, काफी लोगों को ये प्रोग्राम्स ने, ये वर्कशॉप्स ने इतना हेल्प किया है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, उन्हें काफी अच्छे से स्ट्रांग बनाया है। इससे काफी लोगों को जो बहुत ज्यादा सदमे में थे या फिर जो लोग काफी प्रॉब्लम से जा रहे थे, उन्हें बहुत हेल्प मिली है। और अभी थोड़ी देर में हम ये भी सुनेंगे कि you know, इन सब चीजों ने जो एक्चुअल टेस्टिमोनियल्स है वो सब वीडियोस आपको दिखाए जाएंगे कि कैसे लोगों को इन सब से फायदा हुआ है। और अब हम हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो शुरू करने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे और मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ। तो अब मैं ये जो शो है ये एक कोट के साथ शुरू करना चाहूंगी। जिक्र जब असली हीरो का होता है तो जुबा पर नाम मेजर मयंक विश्नोई जैसे वीरों का होता है। और आज मैं काफी लकी फील कर रही हूँ, हम सब काफी लकी और फॉर्चुनेट फील कर रहे हैं कि हमारे बीच में आज मेजर मयंक विश्नोई की वाइफ मिसेस स्वाति मयंक विश्नोई प्रेजेंट है, जिनके साथ हम आज बातचीत करेंगे, हम हमारे हीरो को एक बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। और मैम, हम सब काफी फॉर्चुनेट फील कर रहे हैं कि आज आप हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा थैंक यू कि आज आप यहाँ हमारे बीच आई, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें भी थैंक यू सो मच कि आप लोग आज जुड़े, आप अपना कीमती वक्त हमें दिया है। और अब हम हमारे शो के साथ शुरू करेंगे। तो स्वाति मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी स्टार्ट में? गुड इवनिंग एवरीवन, इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस टू कम हियर एंड टू टेल everyone about the real heroes, what exactly they do. And I really, really want to thank this platform, Art of Living, you, Savni, you're such a great human, and Rahul for inviting us and, you know, giving this privilege to मैम। मेरे ख्याल से आपका नेटवर्क, इज इट वर्किंग, वॉइस इज कमिंग, वॉइस इज नॉट क्लियर, आई थिंक
आप चाहे तो आप रीजॉइन कीजिए. आई थिंक मैम के शायद कोई नेटवर्क इशू है. मैम आप चाहे तो दो मिनट वेट, आई विल जस्ट चेक द नेटवर्क. तब तक मैं स्नेहल दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमने जो एक वीडियो बनाया है क्या आप वो प्लीज प्रेजेंट कर सकती हैं मेजर मयंक बिश्नोई के लिए जो वीडियो बनाया है. मेजर मयंक को बचपन से ही देश की सेवा करने का जुनून था. वह अक्सर परिवार वालों से सेना में भर्ती होने की बात किया करते थे. मेजर मयंक के परिवार ने कहा उन्हें सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करनी थी. वह ऐसा कहते थे लेकिन ये नहीं पता था कि 30 साल की उम्र में देश के खातिर शहीद हो जाएंगे. मेजर मयंक को 15 अगस्त को सेना मेडल से सम्मानित किया गया था और 27 अगस्त 2021 को जम्मू कश्मीर के शोपियान में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में वे घायल हो गए और इसी के चलते उन्होंने हम सब के लिए और इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था. सुकून तिरंगे में है वो फिर और कहाँ होगा. इस शान से बढ़कर मुझको ना कुछ और यहाँ होगा. रे माही अपा फिर मिलेंगे अगले जन्म में मिलके दोबारा कहानी अपा पूरी करांगे. गल्ला तेरियां सुनने दोबारा, गल्ला तेरियां सुनने दोबारा. रे माही अपा फिर मिलांगे. मुझे नाज है तुम पे, तुमने देश के लिए दी कुर्बानी. तूने प्यार किया इस वतन से, उस प्यार के लिए हर हद पार करने की ठानी. तेरी कहानी हर बार गुनगुनाएंगे, हम करते हैं वादा आंसू नहीं बहाएंगे. वो खूबसूरत लम्हे जो गुजारे तेरे साथ अब वही जिंदगी बन जाएंगे. मैम ये एक हमारे तरफ से छोटा सा ट्रिब्यूट था सर के लिए. अब ये मिनिमम है जो हम एज अ सिटीजन कर सकते थे. तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है, छोटा सा ट्रिब्यूट था. और अब आप कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक तभी नेटवर्क इशू हुआ था. जी मैम, तो अभी आवाज आ रही है ठीक से? हेलो, मैम अगर नेटवर्क इशू ज्यादा होगा तो आप अपना प्लीज कैमरा भी ऑफ करके बोलेंगी तो चलेगा. आई थिंक कैमरा ऑफ होगा तो शायद नेटवर्क का यूजेज कम हो तो आप शायद बोल पाएंगी. हेलो, मैम क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो, Sami, I cannot hear anything.
मैं लीव करती हूँ, फिर मैं ज्वाइन करती हूँ। आई थिंक आपने आपका लैपटॉप का ऑडियो बंद किया होगा शायद। हाँ शायद वो वापस रीज्वाइन कर रही है, तो प्लीज आप सब इधर ही रुकिए क्योंकि आज का सेशन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेजर मयंक विष्णु एक ऐसे हीरो है जिनका मतलब बचपन से सिर्फ एक ही सपना था आर्मी ज्वाइन करने का। उनकी कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं जहाँ पर अभी वो मैम तो आपको बताएंगी डिटेल में, जहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हुई थी जब ये फाइनल हो चुका था कि वो अभी आर्मी में कभी वापस जा नहीं पाएंगे। अकेडमी डेज में उनके साथ कुछ ऐसा हो गया कि 99% चांसेस थे कि उन्हें आर्मी से निकाल दिया जाएगा, पर उन्होंने अपने ऊपर काम किया, वो जो वीकनेस थी एक उस पर काम किया और फिर वो ऑफिसर बने और एक बहुत बहादुर ऑफिसर बने। और आज आपका अगर आप मतलब मैम की बातें सुनेंगे तो आई एम श्योर आप सब काफी मोटिवेट हो जाएंगे, इमोशनल भी हो जाएंगे क्योंकि कुछ ऐसी स्टोरीज भी हैं जिससे शायद आप लोग भावुक हो। और ऐसी स्टोरीज तो है ही, मतलब मेजर मयंक विश्नोई का नाम आया मतलब मोटिवेशन, दैट्स इट। वो इतने इंस्पिरेशनल, एक इतने अलग किस्म के फौजी थे, कितने अलग किस्म के ऑफिसर थे कि उनके बारे में जान पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी सिटीजन के लिए। तो प्लीज आप जुड़े रहना क्योंकि आज का सेशन काफी ज्यादा इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग होने वाला है, तो प्लीज जाइएगा नहीं। शायद मैम के यहाँ पर थोड़ा कनेक्शन इशू है, तो आई थिंक वी नीड टू सपोर्ट हर थोड़ा। टिल देन मैं वापस एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार प्लीज वीडियो एक और बार प्ले कर दीजिए ताकि जब तक मैम ज्वाइन होती है तब तक लोग जरा जुड़े रहेंगे। तो स्नेहल दीदी, क्या आप वो वीडियो वापस प्ले कर पाएंगी? मेजर मयंक को बचपन से ही देश की सेवा करने का जुनून था। वह अक्सर परिवार वालों से सेना में भर्ती होने की बात किया करते थे। मेजर मयंक के परिवार ने कहा उन्हें सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करनी थी, वह ऐसा कहते थे। लेकिन ये नहीं पता था कि 30 साल की उम्र में देश के खातिर शहीद हो जाएंगे। मेजर मयंक को 15 अगस्त को सेना मेडल से सम्मानित किया गया था और 27 अगस्त 2021 को जम्मू कश्मीर के शोपियान में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में वे घायल हो गए और इसी के चलते उन्होंने हम सब के लिए और इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। सुकून तिरंगे में है वो फिर और कहाँ होगा, इस शान से बढ़कर मुझको ना कुछ और यहाँ होगा। रे माही अपा फिर मिलेंगे अगले जन्म आते मिलके दोबारा, कहानी अपा पूरी करांगे। गल्ला तेरिया सुनने दोबारा, गल्ला तेरिया तू सुनने दोबारा, रे माही अपा फिर मिलांगे। मुझे नाज है तुम पे, तुमने देश के लिए दी कुर्बानी। तूने प्यार किया इस वतन से, उस प्यार के लिए हर हद पार करने की ठानी। तेरी कहानी हर पार गुनगुनाएंगे, हम करते हैं वादा आंसू नहीं बहाएंगे। वो खूबसूरत लम्हे जो गुजारे तेरे साथ, अब वही जिंदगी बन जाएंगे। तो मैम वापस हमारे साथ आ गई है। मैम अभी मेरी आवाज ठीक से आ रही है? यस, सामने में सुन सकती हूँ आपको अच्छे से। अब आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी स्टार्ट करने से पहले? आई वुड लाइक टू थैंक दिस प्लेटफॉर्म आर्ट ऑफ लिविंग, सानवी यू एंड राहुल फॉर यू नो मेकिंग दिस इनिशिएटिव टू टेल द वर्ल्ड व्हाट एग्जैक्टली आर रियल हीरोज डज। यू नो दिस इज द बिगेस्ट थिंग फॉर अ वॉरियर्स फैमिली, फॉर देयर वाइव्स टू टेल पीपल
exactly this is not the movie thing or anything else. It is exactly the real thing. What exactly happening over there and what exactly they do for this nation. So it's an honor for me to tell everyone about Vishnoi, what exactly he has done for this nation. Thank you so much for inviting me here. मैम हम काफ़ी फॉर्चुनेट और लकी हैं कि आज आप हमारे साथ हैं. तो अब बिना किसी भी कोई भी टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप सर को पहली बार कब और कहाँ मिली और ये जो सिलसिला ये कैसे शुरू हुआ. इट इज़ अ वेरी बहुत अच्छी स्टोरी है. स्टार्टिंग में आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर SSB. तो उस टाइम पे उसकी एक कजन थी जो मेरे साथ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी. उसने एक दिन देखा दैट यू नो आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर आर्मी. सो शी जस्ट टोल्ड मी कि मेरे भैया है जो देहरादून में पोस्टेड एंड ही इज इन आर्मी सो ही कैन हेल्प यू आउट. उसने मुझे बताया नहीं. दैट लेडी हैज गिवन माय नंबर टू हिम. एक दिन मुझे कॉल आया. दैट टाइम ही वाज अ कैप्टन कि मैम मेरी कजन ने बताया है आप आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको कुछ गाइडेंस चाहिए. व्हाट कैन आई डू फॉर यू मैम. तो मुझे लगा देन आई रिकग्नाइज्ड हिम. अच्छा ये उसका ब्रदर है. देन ऐसे हमारी बातचीत स्टार्ट हुई. एंड देन वन डे ही हैज कम फॉर अ TD. दिल्ली आया. देन ही जस्ट टोल्ड मी कि मैम मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं रिगार्डिंग SSB दैट आई कैन गिव इट टू यू. आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा उससे. तो अभी मिलते हैं हम लोग. तो हम लोग CP में मिले. एंड दैट वॉज ओनली अ 20-minute मीटिंग. एंड फर्स्ट मीटिंग में व्हाट ही टोल्ड मी दैट यू विल बी माई फ्यूचर मिसेस विश्नोई एंड आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट दैट यू नो आई विल बी गोइंग टू मैरी यू. इट जस्ट अ कन्फर्मेशन फ्रॉम योर साइड. एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड कि ये बंदा पहली बार मुझसे मिला है. इट जस्ट 20-minute मीटिंग एंड ही इज टेलिंग मी सच थिंग दैट यू नो यू विल बी गोइंग टू बी माई फ्यूचर मिसेस विश्नोई. मुझे लगा आई डोंट नो किस तरह का फ्लर्ट है यार ये. और देन ही जाते जाते उसने मुझे ये चीज़ बोली कि मैं 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकूंगा. अगर मैं रुक गया देन आई विल टेक यू राइट अवे टू गेट मैरिड टू मी. एंड आई वॉज लाइक कि आई डोंट नो कैसी बातें कर रहा है पागल सा है. लिटरली दैट वॉज माई फर्स्ट रिएक्शन. एंड जब मेरी बात हुई उससे मैंने उसे बोला भी यार वॉट काइंड ऑफ फ्लर्ट इट वॉज. सो ही वॉज लाइक कि यार अगर मुझे फ्लर्ट करना होता तो आई वुड हैव सेड समथिंग एल्स टू यू. Not this, that, you know, you'll be my future Mrs. Vishnoi. So that was our first meeting. And he was very, very sure that, you know, I'll be his wife. बहुत interesting चीज़ है. मतलब ये for the very first time ये काफी rarely ये सुनने मिलता है कि किसी की ऐसी first meeting हुई होगी. Our first meeting was like a magical one. I cannot still I whenever I you know go back to that time and I you know start thinking about those times that gives a glow on my face. You know that happiness comes, I don't know from where it comes, but it comes whenever you know I think of my pehle wala time. So that gives me a so much of happiness. His aura was actually like that, right? So ma'am ab jaise aapne bataya ki aapki first meeting ye thi तो इसके बाद क्या हुआ कैसे सब शुरू हुआ. इसके बाद से शादी तक का जो आपका पूरा जर्नी था एंड डिसाइडिंग ओवर यू नो लाइफ टाइम आप एक साथ स्पेंड करना चाहते थे ये सब कैसे हुए. तो फर्स्ट मीटिंग अब हमें पता चली. इसमें आपको वो देखकर काफी अजीब लगा कि कैसा इंसान है पर वहां से यहाँ तक यू नो ये कैसा ट्रांजिशन था कैसे सब हुआ क्या क्या मोमेंट था बीच में एंड ऑल. देयर आफ्टर मतलब हम लोगों की बहुत कम बात हुई SSB को लेके ही हुई. एंड देन टाइम वॉज 22 जनवरी 2016 ही प्रपोज मी फॉर अ रिलेशनशिप. एंड ही जस्ट सेड कि मैं तो श्योर हूँ दैट तुमने ही मिसेज विश्नोई बनना है बट तुम्हारी कन्फर्मेशन के लिए हम रिलेशनशिप में आएंगे सो दैट यू विल बी कन्फर्म दैट हाँ आई एम द राइट पर्सन फॉर यू. देन आई वॉज लाइक literally I took time because I told him ki tum mujhe jante nahi ho main tumhe janti nahi hu I cannot take decision like this tumne bahut jaldi le liya but I need my time. So he just said for that only we are coming in a relationship. So 22 jan 2016 was the day when we came in a relationship but the you know relationship was like that because he was in posted in Dehradun that time but that time wo captain tha and he was like aisa hota hai na ki matlab jo sabse pyara ek officer hota hai unit ka unit bahut pamper करती है उसको. तो व्हाट ही यूज्ड टू डू देहरादून से मोस्टली सैटरडेज ही यूज्ड टू कम टू दिल्ली. रात को 5 घंटे की जर्नी 3 घंटे में कंप्लीट करके वो दिल्ली आता था जस्ट टू मीट मी फॉर हाफ एन आवर. एंड आई वाज लाइक कि यार मैं अकेले रहती हूँ व्हाट पीपल विल थिंक क्या सोचेंगे लोग और तुम ऐसा करते हो और तुम इतना लंबा जर्नी करके
आते हो, 3 घंटे में पहुंच जाते हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है. एंड यू कैन नॉट बिलीव द फर्स्ट डे व्हेन ही सेड दैट यू विल बी माय मिसेस विश्नोई, उसी दिन उसने अपनी पूरी यूनिट में गा दिया था कि आई गॉट अ गर्ल एंड मैम आप लोग बहुत अच्छे हो, सब बहुत अच्छे हो, बट यू नो माई गर्ल इज द बेस्ट वन. सो एवरीबडी न्यू अबाउट मी ओवर देयर. देन धीरे धीरे ऐसे ही मोस्ट ऑफ द सैटरडेज ही यूज टू कम जस्ट फॉर हाफ एन आवर एंड आई यूज टू से कि यार मतलब क्या कर रहे हो तुम. Then that time I was doing my LLM from Dehradun itself. So mera initial was khatam hone wala tha Dehradun mein mera LLM. So I also used to go there. So main ek baar gayi to he just told me ki aao main aapko apne sari unit se milata hu. So maine unit mein I went to his unit. His CEO called me. He like because everybody was aware. So I just told his CEO ki yaar aap samjhao apne officer ko ye aise Saturday uth ke aa jata hai aur bas aadhe ghante milne ke liye aa jata hai. Then what he told me ki ma'am aapne hamare officer ka dimag kharab karke rakh diya hai. Now it's time for you to get married to our officer so that he can come in his senses. And I was like, what are you talking? So that's how our things were like, you know. But when I realized it that yeah, he's the man, you know, for me. I still remember uska birthday tha 5th of August. That time he was in Ghatak, so he was very busy. So abhi usne aadat hota na, girls mein ek cheez hota hai, they like it. Ki mujhe bhi bahut acha lagta tha wo aa raha hai aadhe ghante ke liye milne aa raha hai, but you know we don't show. हम थोड़ा टैंट्रम्स यू नो शो करते हैं. तो मैंने भी वही किया, मैंने उसको कभी बताया नहीं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम आते हो. बट अचानक से बीच में मार्च के बाद ना ही स्टार्टेड लाइक ही वाज बिजी इन घातक, सो ही डिडंट कम. तो आई स्टार्टेड गेटिंग दैट थिंग, ये आता क्यों नहीं है यार अभी. और उसका बर्थडे था 5th of August. तो आई जस्ट हैड अ वर्ड विद हिज जूनियर कि मुझे यार उससे मिलना है. And that place was a highly restricted place. मतलब आप वहाँ पे जा नहीं सकते हो. But I just told कि मुझे बस उसको birthday wish करना है, उसको surprise देना है, and then उसके बाद हम वहाँ से चले जाएंगे. What he did, I reached to Dehradun. उसने मुझे pick किया, उसके junior ने. हम लोग गए और मैं गाड़ी के पीछे वाली seat पे छुप गई पीछे. And then वो बहुत tired था, रात के 12 बज रहे थे, बहुत tired था, बड़े अजीब से मूड में वो आया. एंड देन उसके बाद गाड़ी में बैठा और उसने, उसके जूनियर ने उसको विश किया हैप्पी बर्थडे सर. इट वाज लाइक क्या बर्थडे यार, यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ, कुछ नहीं है, स्वाति से भी नहीं मिल पाया, यू नो आई विश अगर ये नहीं होता तो आई वुड हैव गॉन देयर. एंड देन पीछे से आई जस्ट हग्ड हिम एंड आई जस्ट सेड हैप्पी बर्थडे. ही वाज लाइक शॉक्ड, ही वाज शॉक्ड फॉर 2 मिनट्स एंड ही वाज लाइक व्हाट, तुम यहाँ पे हो? एंड ही वाज लाइक यार अब तो मेरा दिस विल बी द बेस्ट बर्थडे ऑफ माई लाइफ. And that was only a meeting for 2 minutes, you know, because zyada der us jagah pe ruk nahi sakte the. 2 minutes I just met him and then I went off. That day when I was going back to Delhi, I realized it, you know, he's the man. I want to get married to this man only because he's the person, you know, I cannot get such kind of person in my life ever. And you know, बीच में what he used to do, like I used to go there. मतलब अब ऐसा हो गया था कि मतलब time तो मिलता नहीं था बिल्कुल बात करने का उससे, ना मिलने का, because he was really really busy. Because वो face होता है ना आपका, जब आप captain initially बनते हो आप पे बहुत time होता है, फिर थोड़ा mid captain वाले face में आते हो, then you get busy. उसका वो फेज स्टार्ट हो गया था. देन ही वॉज हैविंग लॉट ऑफ कोर्सेज एंड ऑल, तो बहुत बिजी रहता था. तो वट आई यूज टू डू, आई यूज टू गो. तो एक बार ऐसा हुआ देहरादून में, मैंने उसको बताया कि आई एम कमिंग टू देहरादून, यू कम एंड पिक मी अप बाय 4:30, माय वॉल्वो विल गेट रीच ओवर देयर बाय 4:30. ही वाज लाइक फाइन, यू नो फौजी स्टाइल होता है इन लोगों का, रोजर. यस, आई वाज लाइक ठीक है चलो मिलते हैं. एंड यू नो यू कैन नॉट बिलीव, मुझे पता था कि वो सोएगा नहीं, वो बाहर ही रहेगा जब तक मैं पहुंचूंगी नहीं. ही वाज कीप ऑन कॉलिंग मी, कहां पहुंचे कहां पहुंचे. आई वाज लाइक यार वॉल्वो है, कोई चार्टर्ड वो प्लेन थोड़ी है कि 2 मिनट में पहुंच जाऊंगी. देयर आफ्टर हम लोग, मैं उसने उससे मतलब यू कैनॉट बिलीव कि ही कुडंट वेट दैट ही रीच टू रुड़की. मतलब देहरादून में उसे वेट ही नहीं हुआ, वो रुड़की पहुंच गया. एंड जब रुड़की पहुंचा, मुझे नहीं बताया उसने, ही वॉज विद हिज जूनियर. दैट जूनियर सपोर्टेड हिम अलॉट, यू नो, एंड ही इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट यू नो वी गॉट मैरिड, बिकॉज उसने बहुत सपोर्ट किया उसको उसके हर कार्ड में, दिल्ली आने वाले कार्ड में. एवरी टाइम ही यूज्ड टू बी विद हिम. So he was keep on asking me, calling me, कहाँ पहुँचे, जब तुम रुड़की पहुँचोगे तो बताना. And I was like, यार ये रुड़की पे इसके क्यों, मतलब ये अटक गया है रुड़की पे, why every day रुड़की. And then जैसे ही मैं रुड़की पहुँची, I called him कि विष्णु यार reach to रुड़की. And he was like, okay fine, bye. And I was like, पिछले 1 घंटे से मेरा दिमाग खा लिया, रुड़की जब पहुँचोगे तो बताना. और जब मैं रुड़की पहुँची तो he is like normal, कोई रिएक्शन ही नहीं है. देन उसके बाद क्या हुआ, हमारी वॉल्वो हाईवे पे जा रही है, एक होंडा सिटी आती है,
एकदम फिल्मी स्टाइल का वो है ये सिनेरियो. वो गाड़ी के आगे रुकती है, हमारी बस एकदम से ब्रेक होता है एंड मैं ड्राइवर के पीछे वाली सीट में बैठी थी एंड यू नो मेरे साथ एक फेलो एक गर्ल थी और जैसे हुआ तो मैंने उसको बोला, मैंने यार कैसे लोग होते हैं ना पीने के बाद देखो कैसे तमाशे करते हैं, देखो कैसे ये पता नहीं कौन लोग हैं इन्होंने तमाशा कर रहे हैं, देखो गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी अभी मरते हैं ये लोग. आई हैव नो क्लू दैट ही इज बिश्नोई एंड रूफ टॉप मैंने देखा, गाड़ी का रूफ टॉप खुला हुआ है, दो लड़के गाड़ी से उतरे हैं. आई डिडंट रिकग्नाइज तब भी मैं उस लड़की से ना एकदम फुल स्टाइल में किया कैसे छिछोरे होते हैं ना लोग, देखो क्या तमाशा कर रहे हैं. गाड़ी का दरवाजा खुलता है, अंदर आता है एक बंदा, कहता है Where are you, Mrs. Bishnoi? I am here. And I was like, shit, man, ये तो बिश्नोई है. And उसके बाद वो लड़की मुझे ऐसे देख रही है कि अभी ये ही इन लोगों को उल्टा सीधा बोल रही थी और ये इसी को लेने आया. It was such an embarrassment moment, but I was so happy. अंदर से खुशी आती है ना कि हाँ यार कोई लेने आया, आपके साथ भी कोई ऐसा सिनारियो हुआ है. बट इट वॉज लाइक देन उसके बाद हम गए, ही जस्ट हग मी और वो ड्राइवर कहता है आप लोग को ये जो भी करना है ये नीचे जाके करो. उसका जूनियर कहता है तुमको दिख नहीं रहा है सर मैडम को हग कर रहे हैं, दो मिनट रुको. एंड देन हम लोग नीचे उतरे, एक फुल स्विंग में गाना चल रहा है गाड़ी में, पलट मेरी जान, एंड वो भी गा रहा है एंड ही इज मैडली हैप्पी. एंड देन उसके बाद मैं उसको डांट रही हूँ, कहाँ मैं उसको बोल रही हूँ मैं पता नहीं कहाँ फंस गई तेरे साथ यार, बहुत गलत हो गया तेरे साथ रिलेशनशिप में आके ऐसी हरकतें करते हो तुम यार, आज क्या सोच रहे होंगे सब लोग. ही इज लाइक मैडली यू नो सिंगिंग कंटिन्यूसली. वो जब तक हम देहरादून नहीं पहुंचे वो गाना ही चलता रहा पलट मेरी जान. ही वाज लाइक सो हैप्पी दिस वाज लाइक द वेरी स्वीटेस्ट इंसिडेंट. उसके बाद अगेन ही हैज गॉन फॉर हिज कोर्सेज, मऊ चला गया. फिर मऊ से भी यूज्ड टू, एक इंसिडेंट मुझे याद है मऊ में हमारा एक ऐसे फाइट हो गया और छोटी सी मतलब ऐसे फाइट थी और मतलब उससे कंट्रोल नहीं हुआ. उसने अपने सीनियर्स को बोल के संडे इनका कोर्स में ऑफ होता है, ही टुक द फ्लाइट फ्रॉम मऊ रीच टू दिल्ली, गिव मी द फ्लावर्स एंड सेड सॉरी टू मी एंड ही वेंट बैक. एंड आई वाज लाइक मतलब इतना क्रेजी इंसान कोई नहीं हो सकता लाइफ में यू नो. सो आई यूज टू फील माई सेल्फ सो लकी बिकॉज मैं उन लोगों में से मतलब आई एम लाइक अ पर्सन मतलब ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ चीजों में, बट ही वॉज लाइक फुल ऑफ यू नो लाइफ काइंड ऑफ पर्सन. मतलब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच एंड ही इज लाइक नो नो नथिंग, इफ यू फॉल फॉर समथिंग लिव द प्रेजेंट मोमेंट यू नो, दैट्स हाउ दिस सोल्जर्स आर यू नो. एंड आई स्टिल रिमेम्बर जब हमारा on my birthday, he always used to make sure that मेरा birthday वो कहीं पे भी हो, कहीं भी posted हो, उसको और पूरे साल में छुट्टी नहीं चाहिए, but मेरे birthday पे he'll make sure that you know he is taking a leave or he is coming home, चाहे only for one day, for half an hour or like for you know half day leave, but he'll make sure. उसको गिड़गिड़ाना पड़े सीओ के सामने, कुछ भी करना पड़े, he'll do that and he'll make sure he's coming. शादी से पहले भी ऐसे था, शादी के बाद भी ऐसा था. I still remember, एक मेरा बर्थडे था शादी से पहले का, उसमें what he did, उसने मेरे सारे फ्रेंड्स को बुलाया, मतलब कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी बुलाए जिनसे मेरा कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं था. मतलब होता है ना एक आपकी लाइफ में फेस में कुछ फ्रेंड्स आते हैं फिर वो चले जाते हैं, तो उसने he called everyone and in front of everybody he just said, अरे Mrs. Bishnoi आप तो हाँ बोल दे यार, let's get married now, it's you know I am getting posted to Mau and Mau is such a place जहाँ पे you know I want to live that phase with you because उसके बाद मुझे पता है I'll be going to a field, आरा चला जाऊँगा, so I want to live that phase, let's get married यार. So I just said yes, okay let's get married. Thereafter you know 18th April 2018 we got married. He was very very excited. And that's how, you know, the before wedding journey was like this. And there are a lot of incidents, trust me, agar aaj main sunane mein aungi, pura din, puri raat, agla din, agli raat chali jayegi, par uske incidents khatam nahi honge. But these are the incidents that which are, you know, very, very close to my heart, which gives me happiness till now. Yeah. He must be loving, you know, his country in the very same way. So ab mera ye jo next question hai, wo yehi hai. more than you know absolutely. My part was only the 5%, so you can imagine the 5% the way he was loving me, how he can love his country, you can absolutely. Imagine I was only a 5% right. I and you know including the 5% I was there, his family members were there, mama papa both the sisters, my sister, my parents, everybody, right? So you can imagine, no,
So what he can do for the country there, absolutely. You know, what country. माय नेक्स्ट क्वेश्चन यही है मेरा कि जो उनकी आईएमए की स्टोरी थी एंड जो उनका पैशन था, जो फ्लैग को देख के उन्हें एक अलग इमोशंस फील होते थे, ये दो चीजें क्या आप हमारे साथ शेयर कर पाएंगी? आई एम श्योर काफी लोग ये सुनकर ज्यादा यू नो इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे, उन्हें पता चलेगा कि मेजर विश्नोई कैसे थे. So TS entry में क्या होता है, 3 years he was in Mau MCT and 1 year in Dehradun. So he was like a person. मैंने उसको ना एक incident बताती हूँ उसका training का. जब उसका first semester of training था, उसका cross country run होता है Indian Army में. He was running during that time और उसका पैर टूट गया. First half में उसका पैर टूटा, but he was keep on running. अगर वो रुक जाता उस time पे तो शायद उसका पैर बच जाता, पर वो भागता रहा जब तक कि उसका पैर ऐसे होता ना, हमारा पैर ऐसे नहीं हो गया. इट वॉज लाइक दिस एंड स्टिल मुझे उसके कोर्समेट्स और उसके जूनियर्स आज भी बताते हैं, मैम वो रेंग रहा था, रेंग के जा रहा था बिकॉज ही वॉन्टेड टू कम्प्लीट दैट थिंग. वहां पे एक जीसीओ साहब थे, एम्बुलेंस आया, उन्होंने बोला कि आप गाड़ी में बैठो, बट ही वॉज लाइक नहीं, जब तक क्रॉस कंट्री खत्म नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा. एंड देन मुझे उसके कोर्समेट्स बताते हैं कि मैम क्या हुआ, हम लोग वापस आए और क्या होता है, एक इंसान को जब दर्द होता है, उसको चोट लगती है, तो वो कैसा फील करता है, उसको ये लगता है ना शिट यार मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ, इट्स पेनिंग. एक ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है. एंड हिज रिएक्शन वाज, काश ये पैर आधा घंटे बाद टूटता तो मैं क्रॉस कंट्री पूरा कंप्लीट कर लेता. एंड उसका पैर वॉज लाइक दिस, उसकी जो आपके जो पैर में लेग में जो दो बोन्स होती हैं दोनों टूट गई थी और पैर ऐसे लटक गया था उसका, लिटरली लटक गया था. और फर्स्ट सेमेस्टर था, फौज ने कह दिया था कि अब ये कैटेगरी हो जाएगा इन्फेंट्री, नहीं इन्फेंट्री क्या फौज में ही नहीं रखेंगे, फौज से बाहर निकाल देंगे बिकॉज आप पैरालाइज, आप वो हो गए, आप हैंडीकैप बन जाओगे. क्योंकि उसका ऑपरेट होता, ही डिनाइड फॉर द ऑपरेशन, कहता मैं इसको ऐसे ही ठीक करूंगा, ऑपरेट नहीं कराऊंगा. 3-4 months ही स्ट्रगल अलॉट. हिज जूनियर्स वर सो गुड बिकॉज ही वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन एवरीथिंग, ही वॉज अ चैंप ऑफ यू नो दैट अकेडमी. So everybody used to love him like hell. So you know, 4 months के बाद वो पैरों पे खड़ा हुआ और अगले साल उसने वही सेम क्रॉस कंट्री में गोल्ड मेडल जीता. So you can see the dedication he was having. He was a gladiator also. So मुझे आज भी याद है कि उसके जब मुझे कोस्टमेट्स बताते हैं कि मैम विश्नोई उसको कुछ भी हो जाए, उसके अंदर जो स्टेमिना और जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स दिस नेशन, दैट इज इनकम्पेरेबल. Today also, you know, I get a lot of calls from TS fraternity and all. What people tell me, abhi recently TS 38 pass out hua hai. Lot of juniors called me and said, ma'am, sir Jaguar jo hai, wo hamare inspiration hai. Aaj bhi pure MCT mein ek bande ka naam liya jata hai, wo hai Major Mayank Vishnoi SM. Uski stories, jab bhi juniors ka first lot aata hai, उनको खड़ा करके उसकी स्टोरीज बताई जाती है. एक मेजर मयंक विश्नोई एसएम था, उसके साथ ये हुआ था, स्टिल ही डिड नॉट गिव अप. उसने अपना पैर ठीक किया, दैट वाज अ इम्पॉसिबल थिंग. डॉक्टर्स हैव रिटन इट कि अब तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो सकता है. ही हैज प्रूव्ड व्हाट वन सोल्जर कैन डू इट. सो स्टिल यू नो आई स्टिल एक और वन मोर इंसिडेंट आई वुड लाइक टू यू नो शेयर विद यू. हम जो मऊ में थे वहीं पे उसने ट्रेनिंग करी थी, तो वहाँ पे क्रॉस कंट्री रन था. सो ऑल हिज यू नो टीएस के जो कैडेट्स होते हैं वो आए, घर आए, दे सेड सर आपको हमारे पास आना है, अगर आप आओगे तो हमारा मोटिवेशन लेवल ही अलग होगा. सो आई वाज लाइक चलो चलते हैं. एंड यू नो मॉर्निंग का था, हम लोग गए, उसने मुझे बोला स्वात तुम धीरे धीरे पीछे से गाड़ी लाना, आई विल रन विद दीज पीपल, आई विल रन विद माई बॉयज. सो ही स्टार्टेड रनिंग, उसने पूरा क्रॉस कंट्री रन किया एंड ही वॉज मोटिवेटिंग द पीपल. उस दिन मुझे ऐसा लगा कि ये मेजर तो बना ही नहीं है अभी, ही स्टिल अ कैडेट. मतलब जो कैडेट्स के अंदर जोश होता है, स्टिल ही हैड दैट जोश. एंड आई पर्सनली फील दैट चाहे एक फौजी रिटायर भी हो जाता है ना, जो उसका जोश जब वो कैडेट बनता है ना, जो आता है एकेडमी के अंदर, वो जोश उसके पास हमेशा रहता है. यू नो ही कंप्लीटेड दैट होल क्रॉस कंट्री अगेन, ऑल्दो ही वाज नॉट बाउंड टू. और उस टाइम पे हम लोग एक ट्रिप पे, छुट्टी थी उसकी, उसने हमें छुट्टी मिली थी, बट जैसे उसके जूनियर्स आए ही कैंसल्ड हिज लीव. मुझे बहुत गुस्सा आया,
कि यार साल में 30 दिन छुट्टी मिलती है वो भी कैंसिल हो गया इस बारी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं. यू नो एक वो बीवी वाला जो फैक्टर आता है ना, थोड़ा गुस्से वाला कि यार व्हाट इज दिस, हाँ वो छुट्टी. बट यू नो हिज लव, आई फेल्ट सो प्राउड कि आज यू नो आई हैव गॉन देयर एंड आई हैव सीन द लव. जैसे वो वहां पहुंचा, जूनियर्स यू नो ही इज टीएस 21, TS, you know, 25, TS 26, TS 27. जैसे आया उसको उठाकर दे आर जस्ट, वो लोग इन लोगों में एक सेरेमनी होते हैं, उछालते हैं ना ऑफिसर्स को जो बहुत देयर हुआ है, वेरी यू नो नियर एंड डियर वन. एंड दे स्टार्टेड डूइंग, आई वाज लाइक कि यू नो दिस मैन हैज समथिंग, यू नो ही हैज डन समथिंग इन हिज अकेडमी, दैट्स व्हाई पीपल लव हिम, हिज डेडिकेशन, हिज लव. आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उसको कभी भी सैड देखा ही नहीं. यू नो एवरीवन हैज इमोशंस एंड आई विल नॉट से सोल्जर्स डजंट हैव, दे आल्सो हैव, बट आई थिंक एक अलग ही स्ट्रेंथ होता है उनमें जो वो शो ही नहीं करते हैं वो इमोशंस. एंड मैंने उसको कभी सैड ही नहीं देखा लाइफ में, बट ही वाज लाइक अ पर्सन. अगर आज आप स्ट्रेंजर हो, यू विल कम टू हिम एंड यू विल से सर वी नीड सम हेल्प फ्रॉम यू. अगर उसके पास 500 रुपए होगा ना, ही विल गिव 400 टू यू, ही विल हैव ओनली 100 विद हिम, चल जाएगा यार हमारा काम. सो दैट काइंड ऑफ जोश ही वाज हैविंग, यू नो, फॉर हिज कंट्री, फॉर हिज मेन, फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन. मतलब लीव तो बहुत छोटी चीज है, लीव छोड़ना बहुत छोटी चीज है. मुझे लगता था कि किसी दिन अगर इसको चूज करना पड़े, स्वाग को चूज करना है, आर्मी को चूज करना है, ही डेफिनेटली विदाउट इवन गिविंग ए सेकंड थॉट ही विल चूज आर्मी. सो यू कैन सी दैट. एब्सोल्युटली मैम, एंड इसी वजह से तो वो एक नेशनल हीरो है जिन्होंने बिना सोचे समझे सिर्फ देश के लिए अपना काम किया, और हम इतने ग्रेटफुल हैं उनके सैक्रिफाइस के लिए. एंड आपने भी इक्वली सैक्रिफाइस किया है. तो अब एक और हमारे तरफ से ट्रिब्यूट है, तो मैं सारंग भैया को फिर से एक बार बुलाना चाहूंगी कि वो हम सब के तरफ से एक गाना डेडिकेट करें मेजर मयंक बिश्नोई को. सारंग भैया प्लीज आइए. मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हरकत ना बोल रहा. मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हरकत ना बोल रहा. छल्ला सिरते बन के तफन दब कुरिया, तन के मौत नू वाचा मारे में थर थर कमते सारे. छल्ला सिरते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू बाजा मारे में थर थर कमते सारे. ये दिल की मशाले जोश जद लाके, जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया. है वो कर जाना कि सारा जमाना फिर देगा मिसालों यारे अपने अपने नाम का. मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हरकत ना बोल रहा. मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हरकत ना बोल रहा. सल्ला तिनके मन के कफन जद तुरिया, पन के मौत नू वाचा मारे वे थर थर कंबते सारे. छल्ला सिर ते पन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा मारे वे थर थर कंबते सारे. छल्ला सिर ते पन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा मारे वे थर थर कंबते सारे. थैंक यू. थैंक यू सो मच सारंग भैया. आई एम श्योर सबको ये गाना बहुत अच्छा लगा होगा, एंड आई एम श्योर मेजर बिश्नोई भी जहाँ भी है उन्हें ये हमारे तरफ से जो ट्रिब्यूट है, आई एम श्योर उन्होंने एक्सेप्ट किया ही होगा हमारे तरफ से जो ट्रिब्यूट था छोटा सा.
और मैम आपके वो फ्लैग वाला इंसिडेंट बता सकते हैं मैम, क्योंकि वो उनका जो पैशन था वो मतलब वो स्टोरी में मतलब एकदम झलकता है कि कोई इंसान कितना डेडिकेटेड कितना पैशनेट हो सकता है अपने देश के बारे में, तो प्लीज आप हमें वो बताइए। ट्रू, आई विल टेल यू, आप बिलीव नहीं करोगे मेरे घर में 20 से ज्यादा फ्लैग्स हैं, बिकॉज कभी भी कुछ भी होता है मेरे घर में एक फ्लैग जरूर लगता है, मतलब वो विश्नोई का ट्रेजर है उसने जो इकट्ठा किया है। हम लोग कहीं भी जाते थे उसको फ्लैग दिखता था, ऐसा होता है ना एवरीबडी फील्स सो पेट्रियोटिक ना फ्लैग को देख के, आपको कुछ होता है मन को देख के। बट अगर बारिश हो रही है या वेदर बहुत खराब है, फुल ट्रैफिक है, आप कभी गाड़ी से नीचे नहीं उतरोगे ना सैल्यूट करने के लिए फ्लैग को। ही यूज्ड टू डू दैट। दिल्ली में कितने बार हुआ है, हम सीपी में है, फुल ट्रैफिक है, मतलब लोग गालियां दे रहे हैं पीछे से, हॉर्न बजा रहे हैं, और विश्नोई ने गाड़ी सेंटर में रोक दी है बिकॉज उसको फ्लैग दिख गया है, ही वॉन्ट टू सैल्यूट द फ्लैग। एंड आई यूज्ड टू सी, यार ये क्रेजी बंदा है यार, ये क्या है, मतलब लोग गालियां दे रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं है, उसको दुनिया से फर्क ही नहीं था। अगर उसको फ्लैग दिखता है, उसको यूनिफॉर्म दिखती है, उसको यू नो देश दिखता है, उसके आगे लोग उसे गालियां दे रहे हैं, लोग मार दें, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। सो एवरी टाइम दिस वॉज द थिंग, हम कहीं भी जाते थे, मतलब छोटा सा फ्लैग भी दिखेगा ना, या किसी ने गलती से हिमाचल में, जैसे एक बार मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने फ्लैग लगाया, बारिश हो गई और मैं फ्लैग उतारना भूल गई नीचे, एंड मैं उसको मैंने कॉल किया, 15th अगस्त की बात है जिस दिन उसको सेना मेडल मिला था, उस दिन बारिश हो रही थी हिमाचल में, आई वाज इन हिमाचल। उसने मुझे बोला तुमने फ्लैग लगाया घर पे, मैंने बोला हाँ लगाया यार फ्लैग, कहता मुझे दिखाओ फ्लैग, मैंने दिखाया, कहता बारिश हो रही है तुमने फ्लैग नहीं छोड़ा, हटाया नहीं फ्लैग अभी तक, एंड यू नो वो इतना गुस्सा हो गया उस चीज में कि अभी तुम फोन रखो, पहले उस फ्लैग को निकालो, उसको सुखाओ, उसको रिस्पेक्ट दो, वो फ्लैग नहीं है, दैट इज अ ट्रिब्यूट फॉर एवरी मार्टियर हु हैज गिवन देयर लाइफ। आज वो फ्लैग जब लहराता है आसमान में, वो एक प्रतीक है, वो दिखाता है, दैट वॉज हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, वो शो कर बताता है कि किस किस ने इस फ्लैग को ऊंचा रखने के लिए अपनी जान दी है। यू कॉन्ट डू दैट स्वा, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, एंड उसने मुझे इतना गिल्ट फील करा दिया दैट यू नो मैंने फोन रख के सबसे पहले उसको अच्छे से निकाला, उसको अच्छे से प्रेस बिल्कुल सुखाया अच्छे से, एंड आई लिटरली अपोलोजाइज टू दैट फ्लैग टू ऑल द मार्टियर्स, यू नो ही मेड मी फील दैट। सो यू कैन इमेजिन दैट दैट फॉर फ्लैग, इफ यू सी एट माई प्लेस आई हैव लॉट ऑफ फ्लैग्स, मतलब इतने फ्लैग्स हैं मेरे पास, बिकॉज ही यूज टू लव फ्लैग्स। उसको ये था घर में बिस्तर नहीं होना चाहिए, बेड नहीं चाहिए, कर्टन्स नहीं चाहिए, उसका बस चले तो हर जगह फ्लैग्स फ्लैग होने चाहिए, बिकॉज ही इज लाइक यू नो फ्लैग इज आवर प्राइड, यू नो दैट्स व्हाट ही यूज टू से, फ्लैग इज माई प्राइड। जब वो आसमान में लहराता है मेरा सिर ऊपर, यू नो ऊपर हो जाता है। So, and I used to tell him कि जब तू फ्लैग को देखता है ना, and तो that time I feel so proud that you know my soldier is working for this nation. That's it. सही में मम्मी, कितनी इसने हम ये स्टोरी ने इतना अलग पर्सपेक्टिव हमें दिखाया है कि हम लोग तो फ्लैग्स जनरली 26 जनवरी और 15 अगस्त को देखकर यू नो हमें लगता है कि यू नो हम इंडियंस हैं एंड हमें बहुत प्राउड फील होता है, बट एक सोल्जर के लिए 15 अगस्त या 26 जनवरी से वो डेज नहीं होते जब वो प्राउड फील, 24/7 यू नो व्हेन दे स्लीप, मेरे को लगता है आई हैव नो डाउट इन दिस, जब वो लोग सोते हैं तो सोने से पहले बीवी की शक्ल नहीं आती होगी सामने, फ्लैग की आती होगी, एंड दिस इज नॉट फॉर विश्नोई, दिस इज फॉर एवरी डैम सोल्जर, हर सोल्जर के लिए है ये। जब वो सोता होगा ना उसको उसके देश का फ्लैग दिखता है सामने, उसको दिखता है कि मुझे कुछ करना है इस देश के लिए, मुझे इस फ्लैग के लिए कुछ करना है ताकि ये हमेशा ऊपर लहराता रहे, तिरंगा एकदम नो जोश की तरह वो रिप्रेजेंट करे देश को कि हाँ दैट इज इंडिया, दैट इज माय कंट्री। एब्सोल्युटली, बिल्कुल मैम, ये स्टोरी ने हमें इतना अलग ही सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन दिया है, अलग व्यू दिया है कि यू नो हमें भी हर, इट्स नॉट ओनली 26 जन या 15 अगस्त, बल्कि हर रोज हमें रिस्पेक्ट करना है अपने नेशन को, हमें जो छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन एज ए सिटीजन हम कर सकते हैं वो करना है विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स कि हमें रिकग्निशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ अपना काम करते जाना है। और अब मैम मैं आपसे वो एक स्टोरी और सुनना चाहूंगी
जो आपके शादी के फेरों के टाइम पे सर ने आपसे कहा था वो प्लीज अगर आप हमारे साथ शेयर Definitely. You know, आपने देखा होगा ना जब भी कोई सिविलियन गेट मैरिड हो उनकी जो शादी होती है आप लोग क्या सोचते हैं जब शादी होती है वाओ वी आर गेटिंग मैरिड यू नो अब एक नए घर में शिफ्ट होंगे एक कोजी सा घर होगा यू नो मतलब हस्बैंड होगा एक फैमिली स्टार्ट होगी और हम लोग विल डू लॉट ऑफ स्टाफ यू नो हम हनीमून पे जाएंगे बहुत सारी चीजें करेंगे बहुत सारे ट्रिप्स प्लान कर लेते हैं फौजी की लाइफ में टू बी वेरी फ्रैंक ट्रिप तो वो कभी प्लान कर ही नहीं सकता है बिकॉज छुट्टी कंफर्म नहीं है ट्रिप कहाँ प्लान करेगा बेचारा इम्पॉसिबल बट यू नो शायद कभी किसी ने लाइफ में ना फेरा जब होते हैं सात फेरे होते हैं पंडित जो बोलता है आई डोंट थिंक सो किसी ने कभी सुना होगा क्या बोलता है बट यू नो व्हेन फौजी गेट्स मैरिड फौजीज हैव देयर ओन फेरास एंड दैट आई कम टू नो व्हेन वी वर टेकिंग फेरास एंड आई विल लेट यू नो हमारे फेरास कैसे थे वो पंडित जो था He has gone mad. वो कहता वो उसने literally पंडित ने ये बोला कि यार ये फौजी साहब कौन से फेरे पड़ रहे हैं यार ये कौन सी शादी चल रही है मतलब उसे समझ नहीं आया उसे लगा शायद वो फेरे भूल गया है या ये इनका अलग ही चल रहा है कुछ So our fera started. First fera was you know when we were taking the first fera he just told me one thing. So remember one thing. I am an infantry man. You know never ever forget this thing in your life that I am an infantry man. My nation comes first. नेशन के आगे ना पेरेंट्स ना फैमिली ना तुम कोई भी नहीं है नेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड आई जस्ट सिंपली सेड यस आई एग्री टू दैट यू नो ही मूव टू हिज सेकंड फेरा ही सेड माय ऑर्गेनाइजेशन विल कम ऑलवेज सेकंड बहुत बार होगा मैं छुट्टी पे आऊंगा 30 दिन की छुट्टी लेके आऊंगा और ऐसा होगा शायद 10 दिन में मुझे रिकॉल कर ले वापस दैट टाइम यू कैन नॉट से कि यार ये क्या है ये पूरे साल में 30 दिन की छुट्टी मिली है हमें और 30 दिन में भी हमें साथ रहने के लिए 10 दिन मिलेंगे बिकॉज सब जगह जाना होता है उसमें भी तुम्हें 10 दिन में रिकॉल कर लिया आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर माय मेन बिकॉज व्हेन वी गो फॉर अ वॉर व्हेन वी गो आउट टू फाइट यू नो फॉर दिस नेशन दोज मेन आर बिहाइंड अस दे आर टुगेदर विद अस यू नो वी फाइट टुगेदर आई कांट लीव देम सो आई विल बी लीविंग यू and I'll be going there. I just simply said, yes, I agree to that. You know, then he moved to the third thing. He said, shayad aisa hoga aage because main infantry ka banda hoon. In every fera, he stated this word, I am an infantry man. Very precisely. Bahut kam bolta tha wo. Wo zyada aise nahin. Main jaise main, I speak a lot. He was like a very limited, you know, kind of guy. Bahut limited bolta tha. बट जो बोलता था मतलब कुछ सोच के बोलता था तो अगेन ही सेड आई एम इन्फेंट्री गाय शायद ऐसा होगा आगे और आई नो ऐसा ही होगा दैट वंस यू विल गेट प्रेग्नेंट उसके बाद शायद जो वो 9 महीने का फेस होता है आई वोंट बी एबल टू चेरिश यू आई वोंट बी एबल टू यू नो गिव यू दैट पैम्परनेस विच लेडी नीड्स दैट टाइम जो तुम लोग का क्रेविंग होता है आई वोंट बी एबल टू यू नो टेक केयर ऑफ दोज क्रेविंग्स शायद मैं नहीं होगा जब तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा एमएच तुम अकेले जाओगी Maybe you'll be going to deliver a baby alone. You have to bear the brunt because you are getting married to an infantry guy. I completely said yes. I agree to that. Then he told me, and the fourth thing, Swa, shayad ye bhi hoga ki tum shayad baby deliver bhi kar do, main na aa paun. I won't be able to see my baby for 5 months, maybe for 3 months, or maybe for 9 months. It happens actually. I have seen many of Vishnoi's coursemates, उनके बच्चे हो चुके हैं 8 महीने हो गए हैं उन्होंने बच्चों की शक्ल ही नहीं देखी अभी तक अपने ना टाइम ही नहीं मिला उनको because they did not get the leave. तो उस टाइम पे तुम मुझे कंप्लेन नहीं कर सकते हो ये कि यू नो मैंने बच्चा भी पैदा कर दिया बच्चे को भी देख रही हूँ और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है अपने बीवी और बच्चे को आगे देख लो बिकॉज दोज टू फेराज ऑलवेज रिमेंबर दोज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेराज एंड दोज टू फेरा यू हैव टू रिमेंबर एवरी टाइम You know, tab tak things were fine. I completely, without any saying, I said yes. Because, you know, I'm getting married to a Fauji. Then what happened? That was a very heartbreaking fera when he told me. Ki might be, I am not saying, I am not like a person. Usne pehle bola ki jo marne marane ki baat karta hai, you know. I want to work for this nation. I want to make this nation proud, you know, by doing my acts and deeds. But remember, again, I'm an infantry guy. Maybe शायद ऐसा scenario हो I'll be going I'll never come back you know I'll be going I'll never come back or but that time you have to make sure that
you'll be taking that pride as a pride. You're not going to take that pride, you know, into something by crying or, you know, making me feel that pride has nothing, because I cannot see. Because, you know, being a soldier's wife, you have a lot of responsibility. You cannot break down. You cannot cry. The way you are standing right now, you have to stand like that. And this is not for me. This is for every soldier's wife. Thereafter, he told me, you know, people see that, you know, a soldier wears a uniform, but nobody sees that wife who is behind him, who is, you know, supporting him, who is giving him the strength to go out without even thinking of their family. And they know, shayad aaj wo bahar ja rahe hain ladne ke liye, kal ka morning nahi dekhenge. Shayad kal morning aayega hi nahi unki life mein, aur shayad jo baat aaj kari hai, kal wo baat nahi kar payenge. They'll never come back. But that strength we get from the person who is wearing a, you know, hidden uniform. You guys are also having a stars on your shoulders, which motivates us, which give the strength to us, you know, to fight, to go with a pride. He said that thing, and thereafter he said, but I promise you one thing, that kuch bhi ho jayega, aunga zarur wapis, kaise bhi aun, try karunga, hamesha surprise dun, chalke aun tere paas, but might be, because I am an infantry guy, aisa ho sakta hai ki tirange mile patke aun. That time you have to take that tiranga as a pride, you know, that will be a pride, because nobody gets the tiranga. There are very rare people in this country who get that privilege. And, you know, I'll be really happy to get that privilege. So that time you cannot shatter yourself. The way you are right now, you have to be more flawless after that. Those were his words. You know, if I'll be seeing you shattering, you know, and giving that disrespect to the tiranga, which you got as a pride, then it'll be, you know, my sacrifice for this nation will go in vain. So, you know, these are, and then mujhe thoda sa na ajeeb sa feel hua. I got emotional during taking our feras, and I just told him ki yaar itna acha life hamara start ho raha hai, why you are talking about such things yaar, matlab theek hai, I agree to mat bol saath fera, main abhi tere ko bolti hu yes 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 for every feras, but don't say these words, because hamari nayi journey start ho rahi hai, and I don't want to listen these things. Then he said, I know you are a fauji daughter, but you know, daughter's life is very different in Fauj. Now you will be becoming a you know, Fauji wife. The Fauji wife holds lot different things, you know. Aisa nahi hai, ek Fauji wife jo bante ho aap, usme emotions nahi hote hain. They do have emotions. You don't have a right to, you know, take out your emotions, because you know, the pride we carry, that pride is above everything. Although we only know wo pride, you know, that flag, what that flag takes from us. Literally, it takes your everything, you know. But still, that is a pride for us. And I feel honored for that, that, you know, I got married to Major Mayank Vishnoi SM, and I got that privilege. Yes, sure. I really, really feel proud what he has done for this nation. So very grateful. We are so very grateful, and we are forever indebted to both of your service, as I said earlier, ke आपका भी उतना ही इक्वल सैक्रिफाइस है जितना सर का है. तो मैम, अब आप दोनों को एक डेडिकेटेड सॉन्ग है जो सारंग भैया आप सबके लिए गाना चाहेंगे, मेजर विष्णुई और आपके लिए. तो उन्होंने ये सॉन्ग आपको डेडिकेट किया है, तो सारंग भैया क्या आप प्लीज वो गाना गा पाओगे? मशहूर ना कभी तू मुझे नजर से दूर, कितने चलिए तू, कितने चलिए तू, कितने चलिए जान दाए दिल ये तो जान दिए तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू, कितने चलिए तू, कितने चलिए तू, कितने चलिए
काटू कैसे रात ओ सावरे जिया नहीं जाता सुन बावरे के रात लंबे आ लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे के रात लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे चम 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 अंबरा ते तारे कहंदे ने सजना तू ही चंद मेरे इस दिल दा मन लेवे सजना चम 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 अंबरा ते तारे कहंदे ने सजना तू ही चंद मेरे इस दिल का मन लेवे सजना तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा छड़ के न जावी मैनू तू ही है सहारा काटू कैसे रात ओ सावरे जिया नहीं जाता सुन बावरे के रात लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे के रात लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे tadang ding ding dang ding dang ding tadang ding ding dang ding dang tadang ding ding dang ding dang tadang ding ding dang ding dang thank you ma'am thank you so much sarang bhaiya I'm sure ma'am ko ye kafi acha laga hoga हालांकि काफी छोटा सा डेडिकेशन था हमारे तरफ से और अब हम जो है सेशन के एंड में आ गए हैं तो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है मैम के क्या आप ब्रीफ में हमें ये बता पाएंगी कि आपकी लास्ट उन्होंने आपसे लास्ट बात क्या की थी और जो गुलमर्ग वाला इंसिडेंट है जो भी रिसेंटली आप जब गुलमर्ग गई थी होटल में गई थी तब रेस्टोरेंट में आई थिंक तो ये आप शॉर्ट में बता पाएंगी हमें Yes, I know. Vishnoi, matlab, before that incident, you know, we had a plan. मैं जाने वाली थी 2nd of September को श्रीनगर हम लोगों ने एक bike trip plan किया था ले के लिए So he had made all the arrangements. उसने बहुत सारे arrangements किए हुए थे जहाँ जहाँ उसने मुझे लेके जाना था गुलमर्ग लेके जाना था सोनमर्ग दिखाना था उसने मुझे you know, पहलगाम ये सब उसने सारी bookings करके रखी थी ले की सारी booking कर रखी थी But unfortunately, 26th of August, this incident took place. So that was his last wish that that main aun 44 jaun 44 aar jaun uske COB ko visit karun dekhun uske jo cat ke log hain bande hain kaise kaam karte hain kya karte hain kaisa bond hai unka. So you know it was inside my mind कि मुझे जाना है आई नो मुझे लगा कि लोग बहुत बातें करेंगे कि यार अभी तो देखो यू नो 20 डेज हुआ 30 डेज हुआ शी हैज गॉन टू श्रीनगर आई वाज लाइक नो आई वांट टू गो देयर आई वांट टू गो मेरे को देखना है यू नो जो उसने प्लान किया था तो व्हाट आई हैव डन आई हैव गॉन टू 44 आरआर आई हैव विजिटेड हिज सीओबी आई हैव सीन आई फेल्ट इट यू नो दैट हिज प्रेजेंस वाज देयर Because I still remember, I just tell you one more thing. When he was, you know, shifted to Command Hospital, Udhampur, during that time, he was in coma. His brain was not working. So, 15 din he was there to support me, but to give me the strength. But actually, he was completely in coma. You know, that time, I got early morning, I used to go to ICU. रात तक आई यूज टू स्टे देयर ओनली एक दिन मुझे एक सपना आया अर्ली मॉर्निंग कि मैं आईसीयू में गई हूँ एंड विष्णोई उठ के बैठा हुआ है एंड ही इज टेलिंग मी स्वाद तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ मुझे कुछ नहीं होगा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ बट बस एक गड़बड़ है यार मैंने 20 दिन की छुट्टी ली थी ले के लिए अनफॉर्चुनेटली वो पूरी छुट्टी यहाँ कमांड हॉस्पिटल में लग गई और अब मुझे वापस जाना है 44 आरआर बिकॉज मेरा टेन्योर बचा है माय बंदे यू नो माय पीपल नीड मी ओवर देयर Kashmir needs me more than, you know, anything else. So next chutti pe ab hum milenge. So that was the dream, you know. When I went to that COB, main jab wahan gayi,
you cannot believe. I stayed at his room for 2 hours. I felt his presence over there, that actually he is still there. मतलब वो था. Then उसके बाद जो जो bookings उसने करी थी, I made all the same bookings. I requested, I asked the managers कि आपने कौन सा room allot किया था मेजर मयंक विष्णु एसएन को. I want to stay in that room only. I want to feel जो उसने मेरे लिए सारा कुछ किया था. Then उसने गुलमर्ग में खाइबर में उसने ना dinner plan किया था हमारे लिए. But unfortunately that couldn't happen because he sacrificed himself. That is the what should I say? So I thought that I'll make sure that, you know, because that's my personal opinion. Martyrs doesn't die. You know, they are with you every time throughout your life. They support you. Whatever I am today, it's all because of Vishnu. He gives me that strength, you know, to stand again. So I've gone to that Khyber. It's a very thoda ajeeb sa incident hai. I went there. I just told the manager ki table for two. He was like, yes ma'am. So he thought shayad ma'am ke saath koi aane wala hai, ma'am is waiting for somebody. So usne just plates lagaya and I just told him ki plates for two. I just told him plates for two and usne laga diya. And then it's been 20 minutes, he came, ma'am aapke saath koi aane wala hai, should we like. So I just told him, no, I'm already having a dinner with my husband. So he was like shocked for 2 minutes. He took a pause for 2 minutes actually. And then he was like, ma'am, so I just said that you must be knowing Major Mayank Vishnoi SM. He has recently sacrificed himself for the nation and I'm his wife and I have come here with him for a dinner. As you must have heard that martyrs doesn't die. So I am just dining with him. And he was like, numb for approximately 2 minutes. For 2 minutes, he was numb. Usko kuch samajh nahi aaya kya bole. Then uske baad 2 minute baad when he gained his senses, he just said, ma'am mujhe aapki ek photo khichni hai. I was like, no, I don't need any photos, I just want to enjoy this dinner with my husband. Then he just said, ma'am ye to meri life ka sabse bestest dinner hoga jo main aaj host kar raha hu, and please aap ye picture aapke liye zarur banti hai. He clicked that picture. And then he was when I finished off my dinner and all, he just told me ki ma'am mujhe, he was a Kashmiri guy. He just said, ma'am, mujhe, main aapko bahar tak chhodunga. And then when he, you know, dropped me to my car, he just said one thing, ma'am, I haven't seen, you know, such kind of thing. And you have said the true thing today that martyrs doesn't die. And I can feel sir's presence and we really salute sir. And, you know, it was such a great feeling, you know, the person who is a Kashmiri from Kashmir, you know, they said this thing to Vishnu. That was the bestest moment of, you know, that whole phase which I have faced it over there. Thank you so much, ma'am. Ye story maine pehle bhi aap hi ke page pe dekhi thi, padhi thi. Tab I had goosebumps all over. I cannot even imagine ki ab aap kya feel kar rahi hongi. But I'm sure you're very proud of him. And he is very proud of you. उन्हें आप पे ज्यादा गर्व होगा कि आप इतने यू नो ब्रेवली उभर पाए हो इन सबसे. आप उनके बारे में स्टोरी शेयर कर रहे हो. सबसे बड़ा थैंक यू आपको इसलिए कि आपने हमें एक चांस दिया कि हम हमारे हीरोज को जान पाए, कि हम जान पाए कि मेजर विष्णोई कैसे थे. और मैं क्या मतलब मैं खुद स्पीचलेस हो गई हूँ. मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बोलूँ. तो एक बार और थैंक यू सो मच मैम. और ये सेशन जो था इससे बहुत लोगों को बहुत मोटिवेशन मिला होगा. लोगों को पता चला है कि मेजर विष्णोई कौन थे, उन्होंने क्या किया, क्यों वो एक नेशनल हीरो कहलाते हैं. और सबसे बड़ी बात जो ये है कि आप इतने ब्रेव हो, आप इतने स्ट्रांग हो कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, आपने यहाँ पर आए हमारे साथ ये सब स्टोरी शेयर की, जिससे ना हमें इतना अच्छा लगा और हम लोग इतने खुश हैं इस वक्त कि हमें आपसे बात करने का मौका मिला. हम बहुत लकी फील करते हैं. और अभी ये सेशन एंड करने के लिए मैं समृता फुटाने जी जो एक एसटीसी है उन्हें बुलाना चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए. हेलो जय गुरुदेव. स्वाति जी,
जिस तरह से आपने एक एक लम्हा बटोर के आपके जीवन को संवारा है, लिटरली ग्रेटनेस है। और हम 3 दिन से एक एक करके सुन रहे हैं स्टोरी, जैसे कि सुरेंद्र जी से सुने, फिर कालिया जी के फादर को सुने, आज आपको सुन रहे हैं। तो एक धैर्य और एक शूरता जो एक योद्धा में, एक सैनिक में, एक सोल्जर में है, उससे भी ज्यादा धैर्य उनके परिवार के लोगों में। तो ये जो आपने बताया स्टोरी, मैं जानती हूँ कि हर एक यहाँ पे जो सुन रहा था वो विजुअलाइज कर रहा था, जैसे कि कोई एक सिनेमा हम देख रहे हैं, तो सिनेमा की तरह हमारे आंखों के सामने वो सब नजारा दिख रहा है, ऐसे लग रहा था। जिस खूबसूरती से आपने आपके जीवन को ऐसे हमारे सामने रखा, बहुत ही शुक्रगुजार है हम आपके और आपके परिवार, जिन्होंने उनका साथ दिया और जिन्होंने हमारे देश के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया, वो तो बस हम बस ग्रेटफुल ही रहेंगे। और सही में आज यहाँ पे जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं और भी इंस्पायर हो रहे हैं, और मैं जानती हूँ कि हर एक के दिल में और भी देशभक्ति उमड़ कर आ रही है। जैसे हम हर त्योहार मनाते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से, रूढ़ी पद्धतियों से, लेकिन ये दो देश के लिए जो हम त्योहार मनाते हैं, अपना प्रजासत्ताक दिन और हमारे स्वतंत्र दिन, ये पूरे देश मिलके मनाते हैं। और इस तरह से हम आज आपको सुनकर, और आज का दिन इतना खूबसूरत, ऐसा लग रहा है कि हम सच में एक परिवार में हैं और आप हमारे ही परिवार से हैं, और वो धैर्य से आप ये जी रहे हैं जीवन और सबको एक आदर्श दे रहे हैं। तो इसके लिए सच में एक हम ग्रेटफुल रहेंगे। और सभी लोग जो आज आपको सुन रहे हैं उनके तरफ से, और महाराष्ट्र एसटीसी और अपेक्स मेंबर्स के तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैं सबसे निवेदन करूंगी, एक सैनिक की शौर्य गाथा जब सुनते हैं और डिसिप्लिन हम लाइव सुनते हैं उनका, तो हम एक नागरिक होने के क्या बोलते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे देश का, हम वो डिसिप्लिन हमारे जीवन में भी, जो रूल्स रेगुलेशंस है हमारे लिए जो बनाया है सरकार ने, वो फॉलो करते हुए भी हम अगर अच्छे से जी लेते हैं ना, तो वो भी एक सैनिक की तरह ही रहेगा ना। हमें कहीं, यानी हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी अगर गई है सैनिक बनने का, लेकिन एक अच्छा नागरिक बनकर जीने का, और आप जैसे लोगों से वो इंस्पायर होकर जीने के लिए, सही में तो एक हमारे लिए एक गर्व की बात होगी। बहुत बहुत एक बार और शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल और एक शूर वीर का गाथा सुनने के लिए मिलेंगे। और सावनी, यू आर रियली सो स्वीट, ओवर टू सावनी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच मैम, आज आप आए। आई कैन सी आप काफी इमोशनल हो अभी, और इनफैक्ट हर कोई यहाँ पर जो है काफी इमोशनल है ये सब सुनकर। मैम ने जैसे कहा कि सब विजुअलाइज कर पा रहे थे जो भी स्टोरीज आपने कही, इतना हार्ट टचिंग स्टोरीज थी कि हम खुद इतने इमोशनल हो गए अभी। और एक लास्ट टाइम थैंक यू सो मच, आप आज यहाँ आए और हमारे साथ ये सारी स्टोरीज शेयर करी। दोबारा ये थैंक यू बोलना चाहूंगी कि हमें वापस एक चांस मिला मेजर विश्नोई को जानने का, क्योंकि अदरवाइज आपके बगैर ये पॉसिबल नहीं था। तो थैंक यू सो मच, और जो लोग आज यहाँ आए उनके लिए मतलब बहुत थैंक यू कि आप लोग आए, आप अपने कीमती समय हमें दिया। और कल 26 जनवरी है, और कल हमारे साथ कैप्टन विक्रम बत्रा के पेरेंट्स हैं, जिन्हें आप शेरशाह के नाम से भी जानते हैं। तो कल 26 जनवरी के दिन पर हमारा थीम है कि आप लोग ट्राई कलर कपड़े पहन के बैठिएगा, कैमराज ऑन रखिएगा, जो बच्चे हैं वो टैटूज एंड ऑल बना सकते हैं, क्योंकि अभी कोविड के टाइम में तो आप
स्कूल्स एंड यहाँ जाके सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे ऑफलाइन, पर एटलीस्ट वर्चुअली हम ये सेलिब्रेट करेंगे. और ये जो हमारा रिपब्लिक डे स्पेशल वीक है शौर्य गाथा का, उसमें ये हमारा थर्ड एपिसोड होगा. और ऑलरेडी 3 दिन से जितना हम नो मोटिवेट हो चुके हैं कल काली अंकल से, उसके पहले डॉक्टर मेजर डॉक्टर सुरेंद्र पुनिया जी से, आज स्वाति मैम के साथ, और ये मोटिवेशन बढ़ाए रखने के लिए. और ये जो प्राइड हमें फील होता है जब हम ये स्टोरी सुनते हैं, हमें पता चलता है ये हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के सोल्जर्स, इन्होंने हमारे लिए जान दी है, हमारे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, इससे ज्यादा प्राइड की बात और क्या ही होगी. तो आप लोग प्लीज कल 9 बजे ज्वाइन होइएगा. कल कैप्टन बत्रा के पेरेंट्स हैं हमारे साथ. याद रखिएगा कि कल का ड्रेस कोड है हमारा मेनली ट्राई कलर. एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए और आपने इतने अच्छे से आपने पेशेंस के साथ आपने ये सुना. सब लोग एंड तक हमारे साथ ही थे, ज्यादातर लोगों ने ड्रॉप आउट भी नहीं हुए. सबको इतना मजा आया स्वाति मैम को सुनने में, वो इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने ये प्रेजेंट किया है. तो सबको वापस से थैंक यू, स्वाति मैम, अमृता मैम, और जो लोग भी आज हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं उन सबको थैंक यू. और अब हम कल मिलेंगे. तो जय हिंद एंड टेक केयर. जय हिंद.